हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण सागर। मैंने पार्ट वन वीडियोस में ये बताया था कि हम किसी भी काम के करने के शौकीन हैं या किसी भी चीज़ के खाने पीने के शौकीन हैं तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने पार्ट वन में बताया था कि मैं ये कहूँ कि मुझे मोबाइल का शौक है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल्स। क्लियर? इस पार्ट सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे और उसका नेगेटिव आंसर कैसे देंगे। एग्जांपल हिंदी में देखिएगा आप, जैसे यदि मैं हिंदी में इस तरह का कॉन्वर्सेशन करूँ कि यदि आप मेरे से पूछें कि सर क्या आपको मिठाई का शौक है, क्या आपको म्यूजिक का शौक है, ठीक है, इस तरह का कॉन्वर्सेशन यदि आपको करना हो तो कैसे करेंगे। या फिर मैं जैसे आपने पूछा कि सर क्या आप मूवीज के शौकीन हैं, तो मैं बोलूँ नहीं मुझे शौक नहीं है। कि क्या आपको बाइक का शौक है, नहीं मुझे बाइक का शौक नहीं है। इस तरह कॉन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश में हम कैसे करेंगे, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। इज क्लियर? ठीक है, तो शुरू करते हैं इंग्लिश में। देखिए, अब यदि हम किसी से इंग्लिश में किसी का शौक पूछें, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप किसी से पूछें कि क्या आपको सॉन्ग्स का शौक है, जैसे क्या आपको मूवीज का शौक है, क्या आप मूवीज के शौकीन हैं, तो इसको हम बोलेंगे आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज। आप देख सकते हैं कैसे बोलेंगे आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ तो आप उसको बोलिएगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज बोलने से आएगी। आप कितने भी वीडियोज देख लेना, यदि आ जाए तो आप बोलोगे नहीं, इंग्लिश बोलना नहीं आएगा हमको। तो यदि आपको पूछना हो कि क्या आप मूवीज के शौकीन हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज, आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज। क्लियर? ये हमने पूछ लिया क्वेश्चन। यदि मैं मना करूँ, क्योंकि यस करने के लिए मैं पार्ट वन बना चुका हूँ, इसमें हम मना करेंगे। यदि मैं मना करूं कि नहीं मुझे मूवीज का शौक नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मूवीज, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मूवीज। अब आप बोलिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यदि कोई भी आपसे पूछे कि क्या आपको सॉन्ग्स का शौक है, क्या आप सॉन्ग्स के शौकीन हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो क्वेश्चन बनेगा आर यू फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। आप देख सकते हैं आर यू फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, ये हमने पूछ लिया कि क्या आपको सॉन्ग्स के शौकीन हैं आप, तो आर यू फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। अब आपको मना करना है कि नहीं मैं शौकीन नहीं हूँ, तो इसे बोलेंगे नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। फिर से बोलेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे आप। जैसे आपको कहना होगा कि सर क्या आप मिठाई के शौकीन हैं, मिठाई को कहते हैं हम स्वीट्स, और शौकीन यानी फॉन्ड ऑफ, तो क्वेश्चन बनेगा आर यू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। क्या बनेगा आर यू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। इज दैट क्लियर? अब मैं मना करूँ कि भाई नहीं मुझे शौक नहीं है, तो बनेगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। फिर से बोलिएगा, आप भी बोला करें साथ साथ, और आप इसको नोट कर लीजिए कि आप सेंटेंस बना के भी इसके रिपीट कर सकते हैं, और आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे को कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि आर यू फॉन्ड ऑफ समथिंग, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ समथिंग। इज अ क्लियर? सो थैंक यू सो मच।